जिसने इसे सच साबित किया। देश में कानून क्या था कि तुम पढ़ नहीं सकते, कानून क्या था ये माइक लगा के हम ऐसे धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते थे, ये अधिकार हमें नहीं था, ये अनंत बनाने के, इतने खूबसूरत बनाने के ये अधिकार हमें नहीं था। हमारे बुजुर्ग तो चार ऐसे ईंट लगा के छुप के कर देते थे कहीं, और एक ऐसा इंसान आया, एक ऐसा युग पुरुष जिसको कहते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। कानून क्या था, कानून क्या था कि तुम पढ़ नहीं सकते, मगर उसने इतनी पढ़ाई की कि उस कानून को खुद बदला। देखो एक तो होता ना अपने आप में मुक्त कर देना अपने आप को, उसने हम सबको मुक्त किया, सबको। जिस देश में कानून था उस देश का कानून उन्होंने अपने हाथ से लिखा, सारी चीजों को चैलेंज कर दिया। अब बताओ अगर कोई किस्मत नाम की चीज होती कि तुम पैदा ही झाड़ू मारने के लिए हुए हो, तुम मरा हुआ जानवर उठाने के लिए पैदा हुए हो, तो फिर बाबा साहब अंबेडकर ही कर पाते, क्योंकि ईश्वर के विधान को तो कोई नहीं बदल सकता, सूरज का निकलना कोई रोक सकता है, ये विधान है उसका। ये विधान नहीं है कि हम इस कौम में पैदा हुए तो हम यही रहेंगे, ये कोई विधान नहीं। अगर ऐसा होता तो महामुनि शंभू का सवाल था, राम के आगे सवाल था महामुनि शंभू का, कि अगर ईश्वर ने हमें गुलामी के लिए पैदा किया है तो पहले तो यहां दिमाग नहीं रखना चाहिए था। एक प्रोफेसर की बात है, पहली बार कहीं गांव में चला गया जहां वो कोलू था, उसको बैल घुमा रहा था, शहर में तो मोटरें लगी होती मशीन से घूमता है, बैल को घूमते हुए देखा, वहीं खड़ा हो गया। प्रोफेसर था, उसको हर चीज का होता है भी जानना है क्या है। वो कोलू का मालिक आया, सरसों डाल के चला गया, देखा एक आदमी खड़ा मगर बोल रहा नहीं, वो अंदर चला गया, फिर आया फिर खड़ा था, फिर उसने पूछा भी आप क्यों खड़े हैं, वो कह रहे मैं ये देख रहा हूं कि आप अंदर चले जाते बैल फिर भी घूम रहा है, ये रुक जाए तो। वो कह रहे इसके गले में घंटी बांध रखी है और ये बजती रहती, मुझे अंदर पता रहता है चल रहा है। वो कह रहे मान लो खड़ा होके ऐसे ऐसे सिर हिलाना शुरू कर दे फिर आप क्या करोगे। वो गांव के आदमी ने ऐसे उसे ऊंचे से ऊपर तक देखा, वो कह रहे देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो मगर अकल से पैदल हो, अगर इसके पास दिमाग होता बैल के पास तो इसमें इतनी ताकत है कि ये मुझे यहां बांधता खुद अंदर बैठता, इसके पास दिमाग नहीं। यही महामुनि शंभूक ने कहा कि ईश्वर ने फिर ये दिमाग क्यों दिया, और अगर झाड़ू मारना था तो एक हाथ नहीं होना चाहिए था, इसमें तीले पैदा होते लंबे तीले, और दुनिया को नजर आता कि ये पिछले जन्म के पापी। ईश्वर ने हमें बराबर पैदा किया, बराबर बिना किसी पक्षपात के, बल्कि मैं तो देखता हूं मेरी कौम ज्यादा दिमाग है, ज्यादा ताकत है, ज्यादा हौसला है, ज्यादा हिम्मत है, जो काम कोई ना कर पाए मेरा आदमी पहले करने को तैयार हो जाता है। आपके आसपास भी मिसालें होंगी बहुत सारी, बहुत सारी, और मेरे सामने बाबा जीवन सिंह, कोई नहीं तैयार हो रहा था, बड़े बड़े जाट जिमीदार बड़े सूरमा जो आए अपने आप को बरार करार दिखते हैं, कोई नहीं उठा कि कौन लाएगा गुरु का शीश। बैंक लूटना आसान है, बैंक के तो अंदर जाके दरवाजे बंद कर लो लूट के निकल जाओ, मगर एक शीश जो खुला टंगा हुआ है पहरेदारों की तो नजर है, आम लोगों की नजर भी है उसमें, कोई उतारेगा तो चारों तरफ से लोग बोल पड़ेंगे, और कौन उठा उस वक्त, अमर शहीद बाबा जीवन सिंह जिसकी आप संतान है, वही खूना आपने। और पढ़ाई लिखाई में भी कम नहीं, एक पुरानी मिसाल देने लगा हूं, बहुत पहले कहा करता था हिंदी में जो भाषा बोल रहा हूं कितने अक्षर हैं, 48, कुछ मात्राएं भी हैं छोटी की बड़ी की, ये मात्राएं भी हैं। पंजाबी के कितने अक्षर हैं,
35, उसमें भी मात्राएं होती हैं, मगर जो सबसे बड़ी भाषा समझी जाती है हमारे यहाँ देश में, जिसको हर कोई बोल के बहुत प्रभावित करता है एक दूसरे को, वो कौन सी है? इंग्लिश। अंग्रेजी, इंग्लिश। उसके कितने अक्षर हैं? सिर्फ 26, 26। हिंदी के तो 48 हैं, 22 ज्यादा। और इंग्लिश में मात्राएं भी नहीं है, कोई मात्रा नहीं है, वही ए और टी, ए और टी, एड, उसके आगे बी लगाओ, बैट, बी हटा के सी लगाओ, कैट, और इसको हटा के टी एच लगा दो तो डैट, बै, यही है ना। और इसमें क्या करता हमारा बच्चा, दादियों को, दादियों की हमारी दादियां बड़ी महान है, बाकियों का दिल अंदर, लोगों का, हमारी दादी का बाहर ही होता है। बच्चा आके कहता है ओना दादी, वो जब आता है ना मैथ वाला टीचर, मेरा सिर घूमना शुरू हो जाता है, दादी है मेरा लाल, मेरा चांद, मेरा तार, आ जा इधर आ, मेरे सीने लग जा, ना 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 ना, मैं नहीं, बोझ डालूंगी इस पे। अब मेरी बात समझ लो, महामुनि शंभू को याद करते हुए, जो किताबों का बोझ नहीं उठाएगा वो कूड़े का बोझ उठाएगा। होगा कि नहीं होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको जीवन भर बोझ उठाना पड़ेगा। ये झूठ है, ऐसे ही बच्चे बहाना लगाते, मुश्किल होते कई चीजें, कईयों को हिंदी नहीं आती, आज बच्चे हिंदी में फेल हो रहे हैं, साइंस में पास हो रहे हैं, हिंदी में फेल। क्यों? क्योंकि जोर साइंस पे ज्यादा लग गया तो वो आ गई, हिंदी पे बाबा करें तो आ ही जाएगी, उसमें फेल हो गया। तो जोर लगाने पे है। अब बता रहा हूं, देखो मिसाल दे रहा हूं, अब हिंदी के कितने अक्षर हैं? 48, पंजाबी के 35, अंग्रेजी के 26, और 26 का डबल कितना होता है? डबल कितना हुआ? 52, 52। ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। पूरी कौम सीख जाती बिना स्कूल गए, सीख जाती कि नहीं? और वो भी ऐसे आगे पीछे लगते हैं जैसे मैंने ए और टी लगाया, आगे पीछे। और मैंने और देखा, मैं जाया करता था वहां घाटी मोहल्ले साइकिल पे, वहां मैं देखता था कईयों, कई तो भाग जाते थे छोड़ के, कई ढीठ थे बैठे रहते थे। तो मैंने उनमें देखी एक अजीब चीज कि चार पत्ते अपने हाथ में से छुपा के रखते, रखने भी पड़ते हैं, मगर इतना तेज दिमाग कि उसने पत्ता कौन सा गिराया, कौन सा उठाया, उसी वक्त थोड़ी देर में कहेंगे, दो तीन मिनट बाद कहे इसने ये पत्ता रोक रखा है। अरे भी पीछे से कैसे दिखा? दिमाग, कंप्यूटर, सारा हिसाब लगाया, चारों का गणित देखो कितना तेज, कंप्यूटर भी इतनी जल्दी जवाब नहीं देता। है दिमाग के नहीं है, बहादुरी भी है। बाबा जीवन सिंह के समय से आज भी, आज कई हादसे होते हमारे साथ, हमने प्रदर्शन किया था दिल्ली सीवर हत्या को लेकर, हत्या कहता हूं उसे, वो एक्सीडेंट नहीं है, हत्या हो रही है। उनके लिए ना उनके लिए कवच, ना कोई जांच भी, कोई ढक्कन खोल रहे हैं तो उसमें कौन सी गैसें, अभी व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, है ना, जहां कहीं ना सीवर का ढक्कन हो वहां पटाखे ना चलाना। देखो उनके लिए तो मैसेज आ रहे हैं कि उसमें से गैस निकलेगी तो आग ना लग जाए। हमारा आदमी, हमारा नौजवान, मेरा बच्चा उसमें उतर रहा है। और जब हादसा होता है, और सुनो बात, बहादुरी बता रहा हूं, जब हादसा होता है तो दूसरा भी हमारा ही जाता पीछे उसी वक्त, बिना सोचे कि उसको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। आप में इतनी ताकत है, दिमाग भी है, बहादुरी भी है। कारगिल की लड़ाई में जो पहली फौज लगी थी, जानते कौन थी पहली रेजिमेंट वहां? सिख लाइट इन्फेंट्री, जो वाल्मीकि मजमी सिखों की है, और दूसरी थी महार रेजिमेंट, दोनों हमारी, जिन्होंने कारगिल खाली कराया, दोनों हमारी। इतिहास है हमारे भरे हुए बहादुरी से, सिर्फ कलम आने की जरूरत है। महामुनि शंभूक ने जिस काम के लिए शहादत दी,
माँ तुंगभद्रा ने शहादत दी, और माँ तुंगभद्रा के शब्द क्या थे अपने पति के सामने, जब वो रो रही थी, महामुनि शंभू की गर्दन कट रही थी और महामुनि शंभू ने कहा मत रो, तो उसके जवाब क्या था? वो जवाब आप में होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। उसमें जवाब था कि आपकी गर्दन कट रही है इसलिए नहीं रो रही, ये तो मुझे पता था ये सजा मिलनी मिलनी, आपकी मृत्यु हो जाएगी इसलिए भी नहीं रो रही, जो जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होनी होनी, मैं तो इसलिए रो रही हूं कि आपके प्राण निकलने से पहले आंसू खत्म हो जाए। मेरी कमजोरी, औरत की कमजोरी क्या होती है? आंसू ही होते ना, वो करी कमजोरी खत्म कर दी है मैंने ताकि आप निश्चिंत हो के आपके प्राण निकले कि अब आपकी पत्नी कमजोर नहीं रही, जो काम आप छोड़ के जाएंगे वो मैं पूरा करूंगा। ये मां तुंगभद्रा जिसकी हमें याद नहीं, मेरी कौम को याद नहीं, ये नाम याद नहीं है, जिन्होंने हमारे लिए कुर्बानी की, हमारे लिए मरे। और अब बात खत्म करने जा रहा हूं, एक शेर पढ़ रहा हूं पहले, क्योंकि परमात्मा ने बार बार जो बात कही उस पर मुझे एक पंजाबी शायर का एक शेर याद आता है कि बेहिमते ने जो शिकवा करण मुकदरा दा, बेहिमते ने जड़े शिकवा करण मुकदरा दा, उगन वाले उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा। कितनी मुश्किलें थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आगे, कितनी मुश्किलें थी वीर एकलव्या के आगे, मगर मुश्किलें रोक पाई उसको? नहीं रोक पाई। रखते थे भी अगर साइकिल पंचर होगी तो क्या करेंगे, घूमना भी जरूरी है, जाना भी जरूरी है, और साइकिल पंचर होगी तो मान लो दोनों टायर हो जाए तो फिर क्या करना है कि कल महामुनि शंभू का बलिदान दिवस है, आने वाले कल में, हम पहले बना रहे एक दिन पहले, महामुनि शंभू का बलिदान दिवस है, और महामुनि शंभू के बलिदान दिवस पे हम लोग कल एक आश्रम की बुनियाद रखने जा रहे हैं। मैंने कल का दिन ही चुना, आगे पीछे भी कर सकता था, मैंने दिन चुना कि महामुनि शंभू ने आश्रम स्थापित किया था, पाठशाला कायम की थी, हमारे लिए उससे ज्यादा मुबारक दिन नहीं, उसी शहादत से चुनेंगे। मैंने कहा था ना, या तो शहादत को रोते रहो, तो या शहादत का किस कारण शहादत हुई है उस संकल्प को पूरा करने में लग जाओ। वहां सबसे बड़ा खोज केंद्र बनाएंगे, जो सबसे बड़ा सो निर्भय सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान। जैसा मैंने कहा कि 1.25 पैसे होते थे मेरे पास, मगर साइकिल के टायर तो 2 हैं, तो इंतजाम कोई नहीं है अभी हमारे पास। बजट है कोई 1,20,00,000 का, जमीन का 1.25 एकड़ जमीन है, जीटी रोड पे, बिल्कुल रोड के ऊपर, जंगल से आगे ब्यास से पहले। जीटी रोड की जमीनों के रेट तो पता होंगे आपको भी, कोई इंतजाम नहीं है। कल एक सिर्फ पहला किसको क्या कहते हैं टोकन बनी वो देनी है, मगर मेरा ईश्वर पे अखंड विश्वास है कि उसने हमारा काम कभी रोका नहीं, पूरे किए। वाल्मीकि धर्म का प्रकाश, कहा था मैंने कि विश्वास रखना जरूरी है, उसके ऊपर विश्वास, और हमें पुरुषार्थ करना जरूरी है, हमारा पुरुषार्थ कम नहीं होना चाहिए, उसकी तरह नहीं वो जो पेड़ के नीचे लेट जाए कह भी आम ऊपर से गिरेगा फिर खाऊंगा, तो अगर जैसे वो लेट जाए तो मुंह पहले आएगा कि नाक, आम से क्या पहले टकराएगा? नाक टकराएगा, तो आलसी आदमी का नाक कटा हुआ होता है, नाक उसका बचता जो पुरुषार्थी हो उसका बचता है। तो यहां भजन कहा गया एक बहुत बढ़िया, तुझको पढ़ना होगा, मगर मुझे ये गीत भी बहुत पसंद है,
इस गीत को कभी ध्यान से सुनना, आपने जो तर्ज ली जहां से, उस गीत को कभी सुनना होगा कि तुझको चलना होगा, तुझको चलना। मन्ना डे ने गाया, फिल्म का नाम भी सफर है, उस फिल्म का नाम भी सफर है कि तुझको चलना होगा। उसमें एक लाइन आती, लाइन बड़ी जबरदस्त है, तू ना चला तो चल देंगी राहें, रास्ते थोड़ी रुकते, तुम ना चलो रास्ता तो फिर भी चलेगा, तू ना चला तो चल देंगी राहें, राहें चलती रहेंगी और बाद में क्या होगा, उसमें लेना मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, और बाद में तरसता रहेगा। तो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि खड़े खड़े सोचते रहो, मैंने हमेशा चलना जारी रखा, भी चलते रहेंगे करते रहेंगे। और नहीं तो अगर उम्र के हिसाब लगाएं, जो मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके सोच रहा हूं कि बड़ा रिसर्च सेंटर बनाएंगे, दुनिया की जितनी भी रामायण है उनमें अच्छी भी बुरी भी, जितने योग सिस्टम हैं, जितना भी हमारे ऊपर लिखा गया लिटरेचर है, वो सारा वहां इकट्ठा करेंगे और बड़ी लाइब्रेरी भी बनाएंगे, जो स्कॉलर आएंगे यूनिवर्सिटियों के पढ़ने उनके लिए कमरे भी बनाएंगे। तो उम्र मेरी 61 साल, तो चाहे तो आदमी हौसला छोड़ दे इस उम्र में जाके कि नहीं जी अब क्या होना है, मगर परमात्मा ने हमें, जीवन हमारे हाथ में है, जन्म और मृत्यु नहीं है। तो जीवन को हमने पुरुषार्थ से जीना है, हौसले के साथ कि मुझे तो करना ही है, मुझे सुबह उठना और करना है, सुबह दे या ना दे ये उसके हाथ, वो अगली सांस दे या ना दे उसके हाथ में। और दूसरा ये भी कि जब बहुत पुरुषार्थ करने के बाद भी आपको कुछ ना मिले तो वहां ये भी सोच लेना कि कहीं आपका रास्ता तो नहीं गलत है। ये भी होता है, ये भी होता है, मैंने देखा अपने जीवन में, ये भी देखा कई बार कि कई काम हम करना चाहते होता नहीं, एक बार किया, दो बार किया, चार बार किया, हुआ ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि ईश्वर नहीं चाह रहे, ईश्वर बेचारे रास्ता बदलो, और बदले हैं हमने, अपने आप को तरीके से चलाया है। और जैसा उस वक्त हो रहा था महामुनि शंभू के समय में, हालात आज भी वही हैं। हमें वैसे ही लगते हैं कि जी अब तो हमारे यार दोस्त हैं, है ना, शर्मा जी मेरे से हाथ मिलाते, चोपड़ा मेरे गले मिलता है, ये कहने की बातें हैं। उनके अंदर जो उनके मनों में, उनके दिलों में मनु बैठ के हग रहा आज भी, वो गंदगी है उनके दिलों में अभी भी। नहीं तो हम अपने धर्म को कैसे जिए, क्या करें हम अपने लिए, इस पे किसी को क्या ऐतराज है। मगर आज आप तो केवल टीवी की वो न्यूज सुन रहे हैं, है ना, कि वो मुसलमानों को कहते हैं जी बाहर नमाज नहीं करोगे आप, जब मस्जिद ही छोटी है। अब हमें ये प्रोग्राम करना हो, अगर पब्लिक इससे 10 गुना बड़ी आ जाए तो हमें बाहर करना ही पड़ेगा। आज से पहले हम अंदर करते रहे हैं, जब पब्लिक जा रहा है तो करना पड़ेगा, और करते हैं लोग। लोग सरकारी जो बड़ी बड़ी, जैसे हमारे यहां जिम खाना है, ऐसी बड़ी बड़ी ग्राउंड का इस्तेमाल भी करते हैं, दी जाती है सरकार की तरफ से कि कर लो आप यहां। लोग पूरा जमुना का किनारा खराब करके चले जाते हैं, पौधे पेड़ उखाड़ के चले जाते हैं और कहते कि धार्मिक प्रोग्राम किया, होते हैं। मगर हमारी चीजों के ऊपर, यानी वो कहते कि जैसे हम कहें वैसे जियो, मगर हमने परमेश्वर से सीख लिया है कि जैसा आप चाहो अपना जीवन वैसे जियो। तो लास्ट अंतिम प्रार्थना कर रहा हूं आप लोगों से, दो नामकरण भी है और थोड़ी सी आप थोड़ा सा और कोऑपरेट करेंगे इतनी, आज मेरे ख्याल से आज पहला योग अमृत है जिसमें किसी को डांट नहीं पड़ी भी चुप हो जाओ, अभी तक तो मैंने कहा नहीं शायद, आज याद जो मुझे आ रहा, जिस अनुशासन से अभी तक आप बैठे हैं, थोड़ा सा है, एक दीक्षा होनी है यहां, बहुत दिन से अटकी हुई है, कई जगह दीक्षा नहीं हो पा रही है। और नामकरण है मेरे पास, एक नाम है
हमारे साथी हैं विशाल जी, और बचपन से ही आदर्श की इस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और पुरुषार्थ की मिसाल भी है। पुरुषार्थ की मिसाल भी है कि बैंक में बिल्कुल एक कच्चे मुलाजिम की तरह काम किया और अपने परिवार को, पिता की छोड़ी हुई कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, हर चीज के हर तरीके से और बच्चों के एजुकेशन में भी हर तरीके से अपने आप को बिल्ड किया और ईश्वर ने आशीर्वाद भी दिया कि उसी बैंक में पक्के भी हुए, प्रमोशन भी हुई और आगे भी होगी। और जहां जहां आदर्श के प्रोग्रामों में ड्यूटियां लगती हैं, और आदर्श के तो बड़े बड़े भी लगती हैं ड्यूटियां, कभी तो ये 10 रुपए का मत्था भी टेक दिया जाता है और कभी कभी मैं कह देता हूं 1 लाख रुपया दे जाना, तो ये ड्यूटी भी लगती है। और अभी अभी तो मैंने कई लोगों से कहा 5 लाख से कम नहीं लेना, क्योंकि आदर्श का एक रिकॉर्ड और भी है, आप नए साथी बैठे हैं, कि आदर्श कभी बाहर से पैसा मांगने नहीं गई किसी से, यानी वाल्मीकि कौम से भी नहीं मांगा, बाकी से जो हमारा मेंबर है उसी से लिया हमने, कि उस मेंबर जो पहले यकीन कर रहा हमारे ऊपर, जिसको यकीन है वो हमारे साथ है, जिसको यकीन नहीं वो हमारे साथ नहीं, और उससे हम मांगने भी क्यों जाए। तो हमने जमीनें भी ली, हमने दिल्ली में ऑफिस भी खरीदा केवल अपने मेंबरों से, आदर्श के मेंबरों से, कभी बाहर से सड़क से किसी से चंदा नहीं आज तक लिया किसी को नहीं, यानी मैं तो ये कह रहा हूं वाल्मीकि कौम से भी नहीं लिया, आदर्श परिवार से लिया हमने। तो उस तरीके से हर तरह से हमारे साथी हमेशा तैयार रहे हैं, तो उनका नामकरण हो रहा है विशाल जी का, विशाल मैदानव। मैदानव ही बोलेंगे जब पूरा बोलेंगे, आधा नहीं बोलेगा कोई, विशाल मैदानव। मैदानव नाम था, इतिहास को खराब किया जाता है, मां मंदोदरी के पिता, मां मंदोदरी थी महात्मा रावण की पत्नी, मैदानव वो थे जिन्होंने रातों रात लंका को, जब हनुमान बिगाड़ बिगुड़ के आ गया था तो रातों रात उसे ठीक कर ली। देखो बिगाड़ने वाले देवता और जो बनाने वाले उनको कहते बुरे, उनको बनाने वालों को बुरा कहा जाता है, ये भी एक इतिहास। और एक छोटी मिसाल और दूं, केवल हमारे साथ नहीं होता और लोगों के साथ भी होता है। लाल किले पे एक जगह है जहां से प्रधानमंत्री अपने भाषण देते हैं, सबने सुनी है ना जगह, उसको प्राचीर कहते हैं, प्राचीर लाल किले की, जहां झंडा चढ़ता है। मगर ये लाल किले का हिस्सा कभी थी नहीं, वो उतनी जगह बड़ी सी स्टेज सी बनी हुई जो है, जहां प्रधानमंत्री खड़े होकर भाषण देते हैं, वो लाल किले का हिस्सा नहीं थी। वो लाल किले के लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट के आगे बनी हुई है। और बनाई किसने? औरंगजेब ने, जिसको सबसे बुरा गिना जाता है। और क्यों बनाई? अब बात वो सुनो, बनाई क्यों? लाल किले का जो लाहौरी गेट और अंदर जो राजा का सिंहासन लगता था, दीवाने आम जहां पब्लिक को मिलते थे, वो आमने सामने है। और उस गेट से जो पूरा चांदनी चौक रोड है वो दिखाई देता था। तो क्योंकि राजा बैठेगा और चांदनी चौक से कोई आदमी घोड़े पे चढ़ के आए, कोई बग्गी पे चढ़ के आए, टांगे पे चढ़ के आए, ये अलाउ नहीं था। करे राजा का अपमान होगा, सब पैदल आओ। अब चांदनी चौक तो शायद 1.5 किलोमीटर से भी लंबी सड़क है वो, पीछे तक सब पैदल चलते थे, जब भी उस रोड पे आ जाता था पैदल चलते थे। तो औरंगजेब ने कहा कि ये पब्लिक के साथ अन्याय है, लोग अपना बाजार आते हैं वो क्यों पैदल चलें, वो जैसे आए वैसे रहें। उसने उस किले के बाहर ये प्राचीर बनाई जहां से प्रधानमंत्री भाषण देते। तो शाहजहां ने फिर उस वक्त कहा कि तुमने लाल किले की दुल्हन को घूंघट पहना दिया, उसने उसका नाम घूंघट रखा, जिसको आज प्राचीर बोला जाता है। अब बताओ औरंगजेब का कैरेक्टर फिर कैसा हुआ?
पब्लिक के हक में था कि पब्लिक के विरोध में था। मगर हमें पढ़ाया कह जाता है जैसी सत्ता चाहती है, ऐसे ही हमारे महापुरुषों के बारे में, वो महात्मा रावण के बारे में जो उनके मन में आए वो पढ़ाएंगे, जो उनके मन में आएगा वो मैदानों के बारे में पढ़ाएंगे। मगर अब हमारे विद्वान पैदा हो गए बाबा साहब।